क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस क्यू ई मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो ये टर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. आपको क्वेश्चन में पहले ये टर्म को ढूंढना है कि फैक्टराइजेशन मेथड है, कौन सा मेथड दिया है. तो फैक्टराइजेशन मेथड है ये. अब फैक्टराइजेशन मेथड को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो बेसिक चीज आपको मालूम होना चाहिए साइन से रिलेटेड. इस चीज को आप कॉपी करो कि अगर प्लस प्लस है तो आप क्या लिखोगे, प्लस प्लस. अगर माइनस प्लस है तो आप क्या करोगे, माइनस माइनस. ओके, और अगर प्लस माइनस है तो आप क्या लिखोगे, प्लस एंड माइनस. यानी एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि अगर स्टार्टिंग में प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होती है. स्टार्टिंग में अगर प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होती है, बट अगर माइनस होता है तो साइन क्या होती है, चेंज होती है. ओके, तो इस चीज को आप कॉपी कर लो क्योंकि अभी हम सीखेंगे कि ये चीज कहाँ यूज है. ओके, अब देखें यहाँ पर दिस इज आपको इस तरीके से कुछ फॉर्म करना है, ठीक है, छत जैसा आपको बनाना है. अब देखिए यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट क्या है, इक्वेशन में वन है. वन को आप 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 54. तो 54 को आपको यहाँ कॉपी करना है, ठीक है. ये कोएफिशिएंट को ये कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है मैंने, इस कोएफिशिएंट को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 54. 54 को मैंने एज इट इज वहां लिख दिया है. अब देखिए साइन ये इसका यूज कहां पर होगा, अब आप समझिए. दिस माइनस दिस प्लस, माइनस प्लस. अगर माइनस प्लस है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस माइनस. तो ये माइनस माइनस आप कहां पर लिखोगे, यहां और यहां. ओके, अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब आपको ऐसा टेबल पढ़ना है, ऐसा टेबल लेना है कि टेबल पढ़ने पर आपका 54 आए बट उसे माइनस माइनस प्लस करने पर क्या आ जाए, 15. क्या आ जाए, 15 आ जाए. माइनस माइनस दो नंबर को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 15. बट दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 54. तो अब देख लेते हैं हम. देखिए 54 कौन से टेबल में आता है, 6 नाइन्स आ 54 है ना, 9 सिक्स आ 54. ओके, यही दो है ना. तो आप क्या करोगे, ऑफकोर्स 9 और 6 को आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 54 आएगा. और ये दो नंबर को जब आप एड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15. तो आप इसे कॉपी कर ले, दिस 6 एंड दिस वन इज 9. ओके, वन बाय वन स्टेप जाना है जैसे मैं बता रही हूँ. अब देखिए इसके कोएफिशिएंट में क्या है बेटा, एक्स. तो आपको यहाँ भी इसे एक्स देना है और यहाँ पर भी क्या देना है, एक्स देना है. बस ये हमारा रेडी हो गया. अब इसे हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉपी करना है. कॉपी करने का मेथड क्या है, फर्स्ट टर्म आपको एज इट इज लिखनी है. फर्स्ट टर्म आपको एज इट इज लिखनी है. अब ये वन अगर मैं ना दिखाऊं तो भी चलता है. ओके, और इसकी प्लेस पर, ये टर्म की प्लेस पर, 15 की प्लेस पर आप क्या लिखोगे, माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54 इक्वल टू 0. आई होप समझ में आया होगा, ठीक है. फर्स्ट टर्म को एज इट इज कॉपी करना है, 15 की प्लेस पर ये दोनों टर्म को स्प्लिट किया मैंने और 54 को एज इट इज. पहला और थर्ड टर्म एक जैसा ही लिखना है, बस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके इस तरीके से बताना है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आप पेयरिंग कर दोगे. पेयरिंग यानी जोड़ी बना दोगे, जिसको उर्दू में कहते हैं. अब देखिए ये दोनों टर्म में कौन सी चीज कॉमन है, तो आप कहोगे एक्स कॉमन है. क्या कहोगे, एक्स कॉमन है. तो यहां पर हो जाएगा एक्स माइनस 6. क्या हो जाएगा, ये यहां पर मैंने एक्स एक्स को कॉमन लिया तो ये एक एक्स बाहर दिया तो इसके पास एक और एक्स बचता है. इसने एक एक्स बाहर दिया तो इसके पास क्या बचेगा, 6 बचेगा. ओके, अब हम यहां पर आते हैं. अब आप यहां देख रहे हो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है. तो माइनस ही मैं बाहर लूंगी. ओके, अब 54 को आप स्प्लिट कर सकते हैं, 6 नाइन्स 54 क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहां से भी 9 कॉमन आएगा, यहां से भी 9 कॉमन आएगा. तो 9 को आपने लिख लिया. ओके, अब यहां मैं क्या ले लेती हूँ, ब्रैकेट. जो टर्म बच गया यहाँ पर क्या बच गया, x. तो आप x लिख दो एज इट इज. अब देखो ये क्या है, प्लस है, बट यहाँ पर आप प्लस कॉपी नहीं कर सकते हो. ओके, हमने बाहर क्या लिया है, माइनस. ओके, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा. और यहाँ पर क्या बच गया आपका, 6. और मस्ट बी रिमेम्बर, याद रखें ये दोनों ब्रैकेट हमेशा कॉमन तो होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो अब देखिए ये ब्रैकेट देखिए और ये ब्रैकेट देखिए, ये दोनों ब्रैकेट कैसी है, कॉमन है. तो आप इसे एक बार लिख लो. ओके, और ये दोनों टर्म को आप दूसरी ब्रैकेट में शिफ्ट कर दो, इक्वल टू 0. ठीक है, अब आगे सॉल्व कैसे होगा, ये
अब आप इसे सेपरेट कर दो, x माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसे भी सेपरेट कर लो, x माइनस 9 इक्वल टू 0. इसे ओपन करो, x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 6 बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 6, और x इक्वल टू माइनस 9 बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 9. ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर. तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये सेकेंड क्वेश्चन है. तो सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20. तो पहले आपको सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन में एज इट इज क्वेश्चन कॉपी करना है. अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से ये डायग्राम बनाओ. यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ पर क्या है, 20. तो 1 टू जा क्या हो जाएगा, 20. तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 20. और अब आपको यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस. जब प्लस माइनस है तो साइन नहीं चेंज होती है. ओके, जब प्लस माइनस होता है तो साइन नहीं चेंज होता है. ओके, तो एज इट इज साइन आप लिख दो. अब आप अपनी मिडल टर्म को फोकस दो. मिडल टर्म के पास इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. तो आप इसके कोएफिशिएंट में क्या डालोगे, 1x या 1 आप लिख सकते हो. ओके, अब आपको ऐसा टेबल लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर 20 आए बट प्लस माइनस माइनस करने पर क्या आ जाए, 1. तो आप देख सकते हैं 5 4 क्या होगा, 20 होगा, और आप 5 में से 4 को अगर माइनस करते हो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1. तो ये हमारा परफेक्ट रूट बनेगा. तो इसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 5, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 4. इसे भी आप क्या दोगे, x, और इसे भी क्या दोगे, x. अब देखो, कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि हम 10 टू जा 20 क्यों नहीं ले सकते, ये भी तो मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा. तो बेटा ये 20 तो आएगा, बट ये दोनों को आप जब माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, 1. तो दिस इज योर राइट. तो आपको ये फॉलो करना है, ये नहीं फॉलो करना है नीचे वाला. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टर्म को एज इट इज आप कॉपी कर लोगे. सेकेंड टर्म स्प्लिट पार्ट है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 5x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x, माइनस 20 इक्वल टू 0, क्योंकि थर्ड टर्म को एज इट इज कॉपी करनी है. अब यहाँ पर आप रूट क्या बना दोगे, जोड़ी बना दोगे, जिसे आप पेयरिंग कहते हो. अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, ये x और ये x, तो एक x बाहर आएगा, तो आपका क्या बचेगा, x प्लस 5. ओके, अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है. जब दो माइनस होता है तो दोनों माइनस में से हम माइनस को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं. और क्या स्प्लिट कर सकते हैं, तो आप कहोगे 20 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 5 4 20, तो क्या कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ पर 4. ओके, तो ये आ जाएगा आपका x. यहाँ पर साइन क्या आएगी, देखिए ये दो माइनस थे, माइनस को आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो अब अंदर आपकी जो साइन आएगी वो आएगी प्लस, और यहाँ पर क्या आपका रिमेनिंग टर्म है, 5 इक्वल टू 0. देख रहे हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा क्या आ रही है, सेम मिल रही है हमको. तो इसे आप एक बार लिख लीजिए. ओके, और इसको और ये वाली टर्म को दूसरी ब्रैकेट में शिफ्ट कर दें, x माइनस 4. अब आप इसे क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, दिस इक्वल टू 0, और सेकेंड ब्रैकेट दिस इक्वल टू 0, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0. दिस इज राइट, x इक्वल टू माइनस 5, प्लस है वहां जाएगा माइनस, x इक्वल टू प्लस 4, माइनस उधर गया प्लस. ओके, अब लास्ट में आपको इस तरीके से आंसर देना है कि x इक्वल टू माइनस 5 एंड x इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ये हमारे क्या है, दो रूट्स हैं. यहाँ पर आप और लिख सकते हो, ठीक है, इसे कॉपी कर लो. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का ये हम 3 क्वेश्चन कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से मैंने ये डायग्राम फॉर्म किया. 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 13 से. अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे यहाँ पर क्या रहता था, 1 रहता था, बट अभी यहाँ पर क्या आ गया है आपका, 2. तो 2 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 2 20 6. ओके, तो अब आप क्या करोगे, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर प्लस प्लस है तो प्लस में अगर स्टार्टिंग साइन है तो साइन आपकी चेंज नहीं होती है, एज इट इज आप प्लस प्लस लिख सकते हैं. और मिडल टर्म आपकी क्या है, मिडल टर्म देखिए क्या है, 27. अब आपको 20 ऐसा टेबल देखना है कि 26 आए और दोनों को ऐड करने पर क्या मिल जाए, 27. तो एक ही टेबल है, वो है आपका 26 1 26.
ओके मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 26 और ये दोनों नंबर को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 27। आप देख लो कोई और टेबल ऐसा नहीं है जो आपको 27 दे ऐड करने पे, तो यही एक नंबर है। तो इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ 26 और ये क्या हो जाएगा आपका 1। कौन सा हम वेरिएबल देंगे, यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या यूज हो रहा है y, तो आप यहाँ पर भी क्या दोगे y और यहाँ पर भी क्या देंगे y। ओके अब इस चीज को यहाँ कॉपी करना है, फर्स्ट टर्म को मैंने कहा है एज इट इज आपको लिखना है, तो फर्स्ट टर्म आप एज इट इज लिखोगे ओके, प्लस मिडल टर्म की प्लेस पे ये दोनों टर्म को आप कॉपी करोगे 26y प्लस 1y प्लस और लास्ट टर्म को तो एज इट इज लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं ठीक है, जोड़ियां बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हिंदी में। 13 2 26 को स्प्लिट कर सकती हूँ 13 2 तो अब देखो 2 और 2 क्या आ जाएगा कॉमन। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में सिर्फ वाई वाई कॉमन लेते हैं, इसे स्प्लिट ही नहीं करते, तो आपको ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है ओके। तो ये 2 आपका कॉमन आ गया, यहां से आपका एक वाई क्या आ जाएगा कॉमन, तो यानी वाई प्लस यहां पर आपका देखिए 2 तो जा चुका कॉमन, वाई भी जा चुका कॉमन, तो आपका क्या बचता है यहां पर 13 प्लस। अब देखिए इस टर्म में सेकेंड वाले टर्म में देखें यहाँ कुछ भी आपका कॉमन नहीं है, बट 1 तो हमेशा कॉमन होता है, तो 1 को आप बाहर ले लें और बाकी आपका अंदर आ जाएगा जो भी है y प्लस 13 इक्वल टू 0, 1 कॉमन आएगा, जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां 1 कॉमन होता है। अब अगेन देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपकी कैसी आ गई कॉमन, आप इसे एक बार कॉपी कर लेंगे प्लस और ये दोनों टर्म जो बाहर है इन्हें हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में इसको स्प्लिट करोगे, तो आप कहेंगे y प्लस 13 इक्वल टू 0 राइट, और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इसे ओपन करोगे y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, y को यही रखना है, नंबर को बाहर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 13, ये 2y इक्वल टू प्लस 1 वहां जाके क्या बनेगा माइनस 1, यानी y इक्वल टू आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 और एक रूट आ गया माइनस 13 और एक रूट आपका क्या आ गया माइनस 1 बाय 2, तो आप यहां पर आंसर में क्या लिखोगे माइनस 13 कॉमा माइनस हाफ इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए यहाँ आपको बताना है ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस हाफ। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन यानी 1/2, तो 1/2 देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, मेथड वही है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2, लास्ट टर्म आपका क्या है 1/2, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा 1, तो आप यहां पर 1 लिखोगे ओके। इस तरीके से आपने डायग्राम बना दिया, माइनस प्लस देखिए माइनस आया तो साइन चेंज होगी, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और यहां पर मिडल टर्म आप देख रहे हैं क्या आ रहा है 2। अब आपको ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 1, बट माइनस माइनस प्लस करने पे क्या आ जाए 2, तो एक का टेबल तो एक ही होता है ना, 1 1 1, और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हमें 1 दे मल्टीप्लाई होने पर। अब ये दोनों नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, दिस इज अ राइट, तो आप इसे एज इट इज कॉपी कर दो। यहां पर वेरिएबल क्या है x है, तो आप x को यहां पर पुट करो। अब आप क्या करोगे जैसे अब हम फॉलो करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म को स्प्लिट करना है माइनस 1x माइनस 1x, 1 1 नहीं लिखा है इट्स ओके चलता है, एंड ये टर्म एज इट इज इक्वल टू 0 ओके। अब यहां पर देखो ये x ये x यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा ओके और कुछ कॉमन आएगा, तो आप कहेंगे नहीं यहां पर क्या है आपका 2, यहां पर आपका क्या है माइनस, क्या बच जाएगा यहां पर देखो यहां से एक एक्स कॉमन आया, यहां से एक एक्स कॉमन आया, मैंने यहां पर क्या लिख दिया एक्स। अब यहां पर आपका क्या पेंडिंग है, यहां पर 2 और यहां पर एक्स भी आपका एक पेंडिंग है, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 1। अब आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि जो ब्रैकेट यहां मिलेगी वो इसके जैसी नहीं होगी, थोड़ी सी अलग होगी, तो आप क्या करोगे हमें ब्रैकेट तो ऐसे ही बनाना है ना, यहां भी यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है
तो आप बोलोगे नहीं कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पर वन तो कॉमन होगा ही, तो अंदर क्या बचेगा? अगर वन मैंने कॉमन लिया है तो अंदर क्या होगा? तो आप बोलोगे एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, है ना? क्योंकि अगर मैंने बाहर माइनस लिया है तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो अंदर की ब्रैकेट भी क्या हो जाएगी? माइनस। मगर अब ये ब्रैकेट को विजुअलाइज करो, दोनों सेम नहीं है, तो क्या होगा? देखो अब इसे सॉल्व करना है हमें और भी, 2x माइनस वन, माइनस वन एज इट इज, इसे आप सॉल्व करो। इसे सॉल्व करोगे कैसे? जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया है कि अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन नंबर मिलता है यहाँ, तो यहाँ भी आप क्या करोगे? यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 0। एंड देयर फॉर एक्स यहाँ पर आएगा 2x माइनस 1, इसे 1 एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो चुका है? सेम हो गया है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये x, ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ पर आ गया माइनस 1। अब हमें क्या करना है? ये 2 को हम क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। ये 2 जो है डिवाइड में, इसे आप क्या करो? बाहर ले लो। तो अब आपकी अंदर की ब्रैकेट आप देख रहे हैं सेम हो गई ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने इसे करवाया है इस क्वेश्चन को। अब देखिए पहले किस तरीके से था, एक ब्रैकेट ऐसा था, एक ब्रैकेट ऐसा था, बट हमने दोनों का एलसीएम लेके, दोनों का डिनोमिनेटर करके ब्रैकेट क्या हो गई? अब दोनों सेम हो गई। सेम ब्रैकेट होना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, तभी तो आप ब्रैकेट को कॉमन बाहर लोगे। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1, ये दोनों को एक बार आपने कॉमन लिया। अब ये दोनों टर्म को आप एक ब्रैकेट में क्या करें? शिफ्ट कर दें, इक्वल टू 0। अब जैसे हम करते थे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 हाफ इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस हाफ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 1 है तो उधर जाके प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ये माइनस हाफ है तो वहां जाके क्या बनेगा? प्लस हाफ। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आगे क्या आएगा? डिवाइड में, और ये तो आ गई है आपकी वैल्यू हाफ। तो दिस इज द फाइनल रूट। लास्ट में आप आंसर कैसे दोगे? देयरफॉर हाफ, यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है? हाफ। एंड यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है? हाफ आर दी रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 6x माइनस 2 बाय x इक्वल टू 1। पहले तो तुम ये जस्टिफाई करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने जब स्टार्टिंग में पहला लेक्चर लिया था तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तुमको जनरल फॉर्म बताई थी, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट इन दिस क्वेश्चन द पावर इज 2 इज एब्सेंट। यहाँ पर आप देख रहे हो डिग्री इसकी क्या है? 1 है। आई वॉन्ट डिग्री 2। मुझे क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? डिग्री क्या करनी है? 2 करनी है।